सहस्त्रबाहु ने पैदल चलने वाले अकेले परशुराम जी को आम इंसान समझा और 17 अक्षैणी सेनाएं युद्ध के लिए भेजी। परशुराम जी ने अकेले ही पूरी सेना को मार डाला और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। सहस्त्रबाहु अपने दिव्य स्वर्ण रथ में आया जो बिना किसी बाधा के कहीं भी आ और जा सकता था। राजा स्वयं एक शक्तिशाली धनुर्धर था जो एक साथ हजारों धनुष चलाने और एक समय में हजारों तीर चलाने में सक्षम था। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के धनुष को तोड़ दिया, उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला और अपने बाणों से रथ को भी नष्ट कर दिया। सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी पर कई महान हथियार, भीषण चट्टाने और विशालकाय पेड़ फेंके, लेकिन परशुराम जी ने इन सभी को रोक लिया। परशुराम जी ने अपने बाणों से उसकी हजार भुजाएं काट डाली और फरसे से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें सहस्त्रबाहु को मारने में क्षण भर भी नहीं लगा। जिनके गुरु स्वयं महादेव होते हैं वे एक सहस्त्रबाहु ही नहीं बल्कि अनगिनत सहस्त्रबाहुओं को मारने का सामर्थ्य